हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो आज हम लोग न्यू चैप्टर चालू करेंगे। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, JEE मेन और MSTCET में चैप्टर है ये आपके वॉल्यूम वन में। ओके, तो सबसे पहले बता दूँ आपको, 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आप इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ ओवरव्यू दे दूंगा मैं आप लोग को। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? a+bi, उसको डिनोट करते हैं हम लोग z से, जहाँ ए वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रियल और पीछे वाले पार्ट को हम बोलते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आई की वैल्यू आप सबको पता होगा क्या होगा, √-1। ओके, तो ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको, याद होगा ऑलरेडी। आई की वैल्यू √-1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। अगर इसको आप और स्क्वायर करते जाओगे तो और वैल्यू मिलते जाएंगे, जैसे एक और बार स्क्वायर किया तो i^4 हो गया, आंसर 1 हो गया। i^8 आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। ओके, तो एक क्वेश्चन सिंपल स्टार्ट करते हैं हम लोग, आगे लेते जाएंगे। इसका रूट हमको निकालना है। अब आपको याद करोगे तो आपको 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन था, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो पूरा 1.5 पेज का सम था एक, लेकिन अगर उतना हम अगर करेंगे तो वक्त नहीं है हमारे पास उतना करने के लिए, 1.5 पेज का सॉल्व करने के लिए, फिर देखना चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। अगर इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते तो एक काम करो, इसका स्क्वायर निकालो, जो ऑप्शन दिया उसका स्क्वायर निकालो, इनका स्क्वायर निकालो। इनका स्क्वायर अगर ये आ गया मतलब तुम्हारा आंसर है, स्क्वायर तो निकालने आता होगा। चलो करके देखते हैं। देखो इसका लेता हूं मैं, अब इसमें 1+3i 1-3i चलता है, मैं 1+3i लेता हूं। 1+3i का क्या करो, स्क्वायर करो। देखो ये आता है क्या, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1+2ab कितना हो जाएगा 6i, b का स्क्वायर मतलब 3i² तो कितना हो जाएगा 1+6i कितना हो जाएगा -9i² 1+6i+9i² तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो हो जाएगा -9। तो तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा, 1-1 कितना -8+6i, आया क्या? नहीं आया, तो तुम्हारा पहला ऑप्शन नहीं है। अब ये मत करना कि 1-3i से करना, नहीं, 1 होगा तो 1+3i से भी होगा, 1-3i से भी होगा, तो पहला ऑप्शन तुम्हारा नहीं है, ये वाला। देखो अब प्लस माइनस किसी एक से करो, मैं प्लस वाले से करता हूं, +1-3i। ओके, इसका आप लोग क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। चलो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1-2ab कितना हो जाएगा 6i, बी का स्क्वायर 3i का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9i², आई स्क्वायर की ऑलरेडी पता है कितना होता है -1, तो 1-6i कितना हो जाएगा -9, 1-1 कितना होता है -8 -6i, हो रहा आ गया सिंपल। इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, काम करो इसका स्क्वायर निकाल लो। अब आप इसको प्लस से सॉल्व करो या माइनस से सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर है, कॉपी कर लो इतना, ये हमारा सेकेंड आंसर बी ऑप्शन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, सिंपली है एक्चुअली, मैं बोलूँ ना ये 10th और 11th मिलाकर ही क्वेश्चन बनाया गया, ऐसा मुझे फील होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, इफ 2+i√3, अगर 2+i√3 क्या है, रूट है किसका, इसका। अभी आप लोग को पता होगा रूट मतलब क्या होता है, फैक्टर्स, किसी भी इक्वेशन का रूट निकालना मतलब फैक्टर। अगर मैं आपको इक्वेशन लिख के दे दूं x²-5x+6=0, अब देखो इसका जो रूट है, दो रूट है, एक है -2 और एक है -3, क्योंकि -2 × -3 मल्टीप्लाई किया तो -6 आएगा, और -2 - 3 ऐड किया तो -5 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा रूट है। तो इक्वेशन का रूट मतलब फैक्टर होता है, मतलब ये फैक्टर है। ओके, और ऑलरेडी आपने लेवन में पढ़ चुके हो, 1-10 में एक फैक्टर को अल्फा बोलते हैं और एक फैक्टर को, और एक फैक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा बोलते हैं। ओके, अब आप लोगों को थोड़ा याद दिला दूं मैं, क्वाड्री इक्वेशन का फॉर्म था 1-10 में, आपको मैं दिखाता हूं आपको। मान लो ये छोड़ो, अपने को दो रूट दिया है, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, अपने को दो रूट दिया है, बोल रहा इक्वेशन निकालो। अभी मैंने क्या बताया आपको, इक्वेशन दिया था फैक्टर निकालने बोला, नहीं रूट निकालने बोला। अगर उल्टा दिया रहेगा, रूट दिया है इक्वेशन निकालने बोला, सिंपल फॉर्मूला था x²-α+β(x+α)√0, ये आपको 10th में फॉर्मूला था, रूट दिया है आपको, जस्ट इक्वेशन निकालना है। तो पहले फैक्टर -2 को अल्फा माना, दूसरे को बीटा माना, डाल दो फॉर्मूले में, माइंड को अल्फा प्लस बीटा दोनों को प्लस करो, -2 और -3 को प्लस किया तो कितना होगा -5, तो -5 मतलब ये बन जाएगा -, क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि इनका ऐड करके नेगेटिव है और नेगेटिव फॉर्मूले में एक और है पीछे एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करो, -2 × -3 कितना हो जाएगा +6=0। देखो इक्वेशन आ गया। ओके, तो इससे मिलता जुलता है कुछ क्वेश्चन, बताता हूँ ऑलरेडी आपको मैं,
एक फैक्टर दिया है, मतलब एक को आप लोग को मानना है अल्फा, ओके क्या है रूट है, और इस इक्वेशन में क्या दिया है पी और क्यू दिया है, तो बताओ पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो सिंपल बात है, एक फैक्टर दिया है तो दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेने का, ये रूल है सिंपल। 2+i√3 दिया है तो 2-i√3 एज्यूम कर लो दूसरे वाले को, अगर पहले वाले को 2-i√3 दिया है दूसरे वाले को 2+i√3 एज्यूम कर लो, सिंपल। अब करना क्या है देखो, ये हमारा फॉर्मूला है, ओके ये हमारा फॉर्मूला है, अब इसको इससे कंपेयर करो जो इक्वेशन दिया है। क्या दिया इक्वेशन, प्लस है ना, प्लस कितना px प्लस q बराबर 0। अभी होगा क्या, हमको यहां p और q की वैल्यू निकालनी है। अभी p किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा नहीं, माइनस अल्फा प्लस बीटा, कैसे, x के साथ p है, x के साथ कौन है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी p की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा है हमारे पास, डाल दो, माइनस बाहर है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू ये है 2+i√3 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2-i√3, क्या कट हुआ, ये और ये कट हो गया बराबर, बाहर माइनस है, 2+2 कितना हुआ 4, यानी तुम्हारी p की वैल्यू कितनी हुई -4। बताओ p -4 कितने ऑप्शन में दिया है, एक तुम्हारा a में दिया है और एक तुम्हारा d में दिया हुआ है। अब q निकालना है, तो q कैसे निकलेगा, देखो q किसके बराबर है, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, तो यहाँ q की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा कितना था 2+i√3 और बीटा कितना दिया है 4 लग जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर है i का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, यानी कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये 3 कितना आया 7, क्यू की वैल्यू कितनी है 7, कौन सा ऑप्शन है, समझे। तो सिंपल अपने को इस इक्वेशन को 10वीं इक्वेशन से कंपेयर करना है, एक रूट दिया दूसरे को मान लिया, ऐड किया तो पी मिला, मल्टीप्लाई किया तो क्यू मिला, इतना कॉपी कर लो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके ये क्वेश्चन आपको जेडब्ल्यू मेन 16 में आ चुका है, तो स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब ये जो दिया है ना इसके अंदर थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी थीटा की वैल्यू क्या होगी, कि आंसर क्या आएगा, प्योरली इमेजिनरी सर, प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी इसको बोलते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ ए प्लस समझो आई बी इज इक्वल टू, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होगा, देखो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट होते हैं, एक रियल होता है एक इमेजिनरी होता है, तो इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स वर्ड किसको बोलते हैं, हम लोग जहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें मिक्स है, ओके उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो इसको हम लोग प्योरली इमेजिनरी नहीं बोलेंगे। हाँ प्योरली इमेजिनरी कब बोलेंगे, जब ए रहेगा ही नहीं उसमें, सिर्फ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आई बी के बराबर रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल बोलो 2i बोलो 3i बोलो 5i बोलो -i बोलो, ये सब तुम्हारे प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि इसमें रियल टर्म है ही नहीं, तो जिसमें रियल टर्म नहीं होता उसको हम क्या करते हैं, प्योरली क्या कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं, ओके। तो यहां पर हमको सिंपल क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और बताना थीटा की वैल्यू क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं, ओके देखो मैं स्टार्ट करता हूं, 2+3 sin θ / 1 - 2i sin θ। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि डिनोमेटर कभी भी अपने को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं चाहिए, उसको रैशनलाइज करते हैं। तो 1 - 2i को रैशनलाइज किया मैंने 1+2i से, नीचे लग जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हाँ b का स्क्वायर, b मतलब 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर i स्क्वायर, साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, बचा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। 2 × 1 हो जाएगा 2, 2 × +2i sin θ बन जाएगा 4i sin θ। नेक्स्ट 3 को 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एक मिनट क्वेश्चन चेक करना, तो मुझे ये 3i है, सॉरी करेक्शन कर लो, क्वेश्चन में जरा ये i है, हाँ ओके तो ये तुम्हारा i है। अब मल्टीप्लाई करो, देखो नीचे का मल्टीप्लाई हो चुका, ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 कितना हुआ 2, फिर 2 × 2i कितना हो जाएगा 4i sin θ। नेक्स्ट 3i sin θ को 1 से इंटू किया तो कितना हो जाएगा 3i sin θ ही रहेगा, और 3i 2i से मल्टीप्लाई हुआ, सिंपल 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, i × i हो जाएगा आई स्क्वायर, और sin × sin क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन आया। अब इसको सॉल्व करो, आप लोग का आंसर आ जाएगा, देखो सेम वाले कौन है, देखो दोनों सेम है, 4i sin θ 3i sin θ कितना हो जाएगा प्लस करके
सेवन आई साइन थीटा। साइन में क्या है देखो, आई स्क्वायर है, साइन क्या हो जाएगा माइनस, यानी क्या बन जाएगा माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमीटर में भी सेम वैसे करना है, या आई स्क्वायर है तो नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा और वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा वन प्लस फोर साइन स्क्वायर। अब सिंपल देखो, ऊपर देखो ये रियल है, ये रियल है, इनको रियल क्यों बहते हैं क्योंकि इसमें आई नहीं है ओके, और ये इमेजिनरी है, तो तुम रियल वालों को साथ में रख लो। रियल वाला कौन है, ये दोनों है, साथ में रखो, टू माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या है प्लस, ये है सेवन आई साइन थीटा। अब एक काम करो, रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो, यानी डिनोमीटर बढ़ जाएगा, एक बार इसको चले जाएगा डिनोमीटर, एक बार इसको चले जाएगा, लेकिन अपने को सिर्फ रियल वाले से काम है, तो इमेजिनरी को भूल जाओ, डायरेक्ट शॉर्टकट मारो, अपना ये अपॉन ये ले लो, तो क्या हो जाएगा टू माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ओके। तो स्टार्टिंग मैंने बताया प्योरली इमेजिनरी, मतलब क्या होता है रियल वाला जीरो होता है, तो यहां मैंने रैशनलाइज किया तो दो पार्ट किए, एक रियल पार्ट किया एक इमेजिनरी पार्ट किया, मेरा रियल पार्ट ये अपॉन ये आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है। सॉल्व करो आपको साइन की वैल्यू मिल जाएगी, क्या आएगा बताओ टू माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई था, पूरा क्या हो जाएगा जीरो, माइनस सिक्स वहां गया तो क्या बन जाएगा प्लस, यानी सिक्स साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है टू, यानी साइन स्क्वायर थीटा कितना आया टू बाय सिक्स, टू बाय सिक्स कितना होता है वन बाय थ्री, स्क्वायर जाएगा रूट बन जाएगा, तुम्हारा साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन अपॉन रूट थ्री, थीटा की वैल्यू कितनी हुई साइन इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री, तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है डी वाला, कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सिंपल है, ये आपको दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है और यहां से आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, जैसे पिछले 11th सेशन में आपको ये था ओके, यहां से वैल्यू निकालना है, हमारी वाई की वैल्यू किस में आनी चाहिए यू और वी की फॉर्म में आनी चाहिए, तो बताओ हमारी वाई की वैल्यू इनमें से क्या है ओके, या ट्राई करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्यूशन दूंगा, फिर आप चेक कर लेना, लेकिन आप ट्राई करो एक बार ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, थैंक यू वेरी मच।